आज आप लोग का मीडिया सामने कल का टू डेज वन कॉल का रिगार्डिंग में हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता है मेरा जनता को, मैंने पब्लिक मैंने ईटानगर और अरुणाचल पब्लिक को मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वन कॉल हो रहा है हमें उसको हम अभी तक अच्छा से मालूम भी नहीं है, कौन सा ग्रुप है वो भी अच्छा से मालूम नहीं है। पहले एक बार हुआ था पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी, और ये वाला कौन सा ग्रुप है हम अभी उसको हम भी खास मालूम नहीं है। हाँ सिर्फ बाय नेम मालूम है कि सोल डोडम थाना तामर और कुछ नारी शक्ति का लोग नीमी ताबा और दीपा चंपा क्या क्या है वो लोग, सिर्फ नाम से मालूम हो रहा है। और मैं पहला बार ऐसे भी देख रहा है कि वन कॉल में कोई इंडिविजुअली भी वन कॉल दे रहा है कोई इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट में, ये चीज़ अरुणाचल के लिए एक अच्छा एक मैसेज भी नहीं है। अरुणाचल एक मैंने ट्रांजिट पीरियड टाइप का है, अभी हम लोग को उबरता मैंने उबरने के लिए उबरता एक स्टेट अरुणाचल, तो इस नया एक अरुणाचल बनने में ऐसे अगर इश्यूज आते रहेगा तो स्टेट आगे बढ़ना थोड़ा तकलीफ होगा। तो मैं एक बात यही बोलना चाहेगा कि ये है फरवरी 18 को एक मीटिंग हुआ था, उसमें उन लोग का वन कॉल एक बहुत बड़ा एक प्रोसेशन चल रहा था, तो उसमें 11 बजे को बुलाया था लेकिन पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी लोग नहीं आया। मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक भी ये चीज़ को खास मालूम नहीं है मेरा ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ वो जो वन कॉल दे रहा है फेसबुक में लाइव दे रहा है उन लोग का बात कोई पब्लिक सब सुन रहा है, लेकिन हम आज तक देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर और सीएम का अलावा ये मीटिंग का बारे में कोई भी नहीं बोलता है, और ऑलरेडी वो मीटिंग में बहुत लोग था जैसे कि अंशु प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और कन्वीनर और उन लोग का लीगल एडवाइज़र था एसडी लोधा और पार्टी से हम था और सेक्रेटरी एआर और सेक्रेटरी लो कुछ वो होम वो भी था और होम मिनिस्टर था और सीएम था और तेचीपुरो तारक नालो तना तामर सोल दोदुम चंपा कीपा नीमी ताबा कंपू धोलो और कुछ भी था नाम याद नहीं आ रहा। तो वो मीटिंग में अंशु प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा रोल हुआ है, बहुत अच्छा मॉडरेटर किया है अंशु प्रेसिडेंट। मैं अभी भी थैंक्स करता हूँ कि यूथ है युवा नेता ऐसे काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मॉडरेटर था। हम अंशु को सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कर रहा है बोल के नहीं, लेकिन उस मीटिंग में बहुत अच्छा मॉडरेटर किया था वो। तो उसमें शुरुआत हुआ था कि 13 पॉइंट चार्टर डिमांड को लेके, तो उसमें 11 बजे मीटिंग बुलाना था बुलाया था, उसमें फिर वन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी से फिर मैसेज आया कि अंशु अपशु कोई भी नहीं बैठना है, लेकिन अंशु अपशु से नहीं था, अंशु तो ऑलरेडी टीम में था अंडर में था, लेकिन अंशु ने यही बोला है कि अंशु टीम ने कि ये चार्टर ऑफ डिमांड तो अंशु का है, ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का चार्टर ऑफ डिमांड है, तो उन लोग ये चार्टर ऑफ डिमांड को लेके अभी भी पेपर भी अंशु का ही लेटर पेज का चार्टर ऑफ डिमांड है। फिर भी वहाँ बहुत अच्छा ये पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का नालो तेरी तेचीपुरो लोग का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, हम अभी भी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और अंशु प्रेसिडेंट का अच्छा मॉडरेटर था। उसमें सीएम साहब ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर लीड करके उसमें जितना 13 पॉइंट डिमांड को वहाँ रिजोल्यूशन लिया गया था, लेकिन अभी जो एक सोल्ड उधम जी और ताऊ पुल जी और ये
तना कामर लो और एक नया इशू निकाल के आया है कि नया ही इशू है ये कि 13.4 को फुलफिल करना है। हम तो इसको लग रहा है ये नया इशू जैसे लग रहा है, जबकि उन लोग का सामने में ही इशू रेजोल्यूशन सोल्व हो गया था। और हम तो देखा था कि सोशल मीडिया में सोल्व हो दम उन लोग तो खूब जीत गया बोल के डांस भी कर रहा था, खुशी बहुत खुशी हो रहा था सेक्रेटरी के बाहर में। तो ऐसे हुआ था उस समय में, तो हम लोग भी अच्छा लगा कि हाँ उन लोग समझ गया। लेकिन ये सोल रोदम खुद वहाँ में था, मैं अभी भी बोलता हूँ वो मीटिंग में सोल रोदम का एक भी वर्ड नहीं निकाला है। और उसमें सोल रोदम का बोलने से पहले तो तादक नालो एंड तेची पोरो तो जो बोला तो उसमें मीटिंग खत्म होने वाला था, तो सीएम बोला है कि तो हो गया ना, हम अभी बोलेगा। तो अंशु प्रसिजन उठ के बोला है कि सर थोड़ा से एक मिनट सोल दोदम को भी बोलने दीजिए, तना तामर को बोलने दीजिए, कंपू दौलो जी को, नीमी ताबा कीपा चंपालो को भी बोलने दो बोल के उधर मौका दिया है। सीएम साहब बोला हाँ ठीक है आप लोग बोलिए। तो वो मौका में उन लोग को मौका दिया, उन लोग कुछ बोला ही नहीं, उन लोग सिर्फ यही बोला है कि जो तादक नालो एंड तेची पुरो जो बोल रहा है ये 13 रेजोल्यूशन जो बोला उसी में सिर्फ कर दो। तो सीएम साहब तो कर दिया, उसमें अंशु प्रसिद्ध का मोद्र उन लोग का ये जो डिमांड ये था कि सीबीआई काम नहीं कर रहा है, सीबीआई को रिकमेंडेशन करना है, वो भी गवर्नमेंट रिकमेंडेशन कर दिया तो सीबीआई जल्दी कल्प्रित को नहीं पकड़ रहा है। तो सीबीआई तो उसमें मोद्रे था अंशु प्रसिद्ध था, वो बोला है कि देखिए ये सबको ईडी और सीबीआई लगा के कोई फायदा नहीं होगा, उसमें मैंने जितना प्रोग्रेस होना था वो पूरा दिल्ली होगा। उल्टा हम लोग गवर्नमेंट को ये प्रेस करेगा कि एसआईटी को लगाना है, एसआईटी को बिना पॉलिटिकलाइज करके इसको अच्छा ढंग से यूज़ करने दो, जितना गलत होगा सही होगा हम लोग यहीं में हला करके बैठेगा, सही को भी यहीं देखिएगा और गलत को भी यहीं देखिएगा। और लेकिन उन लोग माना नहीं है, तो ठीक है उसको एश्योर कर दिया सीएम साहब, सीबीआई ईडी भी लगा दिया। तो फिर बोला है कि यूपीएससी अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, उसको दिल्ली भेजो यूपीएससी कंडक्ट के लिए। तो उसमें भी अंशु प्रसिद्ध ने यही बात बोला था कि वहाँ भेजने से हम लोग का विजिल ब्लोअर का मुदंग याबन केस जो ऐसे गायब हो रहा है, तो वहाँ में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है बाद में। तो वहाँ अगर बाई चांस का बात यूपीएससी में कंडक्ट करके वहाँ गड़बड़ हो गया, ये सेम चीज़ वहाँ भी गड़बड़ हो गया तो किसको चिल्लाएगा। तो अगर स्टेट में अगर यूपीएससी को नहीं भेज के ये चीज़ को स्टेट में अगर करने देगा तो अगर फिर से गलत दंग होगा तो हम लोग फिर से सीएम को हम लोग चिल्लाएगा ये गलत हो गया। तो इसलिए वहाँ में रिकमेंडेशन करने से अच्छा कि कमीशन को गठन होने दो, तो मुदंग याबिंग का केस को भी गठन होने से उसी में काम हो जाएगा और विसल ब्लोअर का चीज़ को भी यहाँ हो जाएगा। लेकिन उसको भी गठन अभी तक के लिए बंद करके रखा था उस समय में, तो सीएम उसको भी माना, सीएम रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन वहाँ से वापस आया कि वो लोग का पास समय नहीं है, उन लोग कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हुआ। तो फिर उसमें एक बात आया है कि नाबम निपो को एरेस, नाबम निपो का एरेस को भी सीएम रेडी है एरेस करने के लिए। उसमें भी बोला था, पूरा टीम बोला है कि अंशुलू भी बोला है कि आप लोग अगर एरेस करना ही करने देना ही चाहता है तो वो क्लू दो ना, एविडेंस दो। बिना एविडेंस में उसमें लीगल एडवाइज़र था एसडी लोंदा, वो लोग भी बोला है कि बिना एविडेंस में कैसे करके एरेस होगा, ये तो तकलीफ होगा। तब तेची पुरोल उन्हें दूसरा एक अल्टरनेट निकाल के बोला है कि तब तो अगर क्लू नहीं दे पाता है तो उसमें कंपू दौलो भी बोला था कि अगर हम लोग क्लू देगा, हम लोग एविडेंस देगा तो हम लोग घर में भी मारपीट करने आ सकता है। तो उसमें सीएम साहब लोग बोला था कि होम मिनिस्टर दोनों कि तब तो मेल में भी दे दो। तो बाद में तेची पुरो और तादन नालो लोग वो एक अल्टरनेट ढूंढ के बोला है कि चलो तब तो वो मैसेज देना एविडेंस देना छोड़ दीजिए। तब तो 2014 से लेके तिल देख तक का कमीशन में जितना मेंबर है और नाबम निपो का चेयरमैन है, कमीशन का चेयरमैन है, उन लोग को ईडी लगाओ। तो ईडी लगाने से उन लोग प्रॉपर्टी सीज करेगा और कितना प्रॉपर्टी है कितना पेमेंट था उसमें वो ढूंढ के तब उसको अरेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ओके किया उसमें,
सीएम साहब और होम मिनिस्टर ओके ठीक है ईडी लगा देगा, तो ईडी लगा दिया। लेकिन इन लोग अभी का यही एक बोलना चाह रहा है कि जल्दी नहीं कर रहा है, फर्स्ट माने जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उन लोग को। हम तो ये भी बोलता है कि हम लोग का ट्रेवल आदमी में पेशेंस भी नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रेवल आदमी का LIC में भी बहुत कम वो है, LIC पॉलिसी है, पॉलिसी बहुत कम है क्योंकि रिटर्न बहुत जल्दी नहीं मिलता है। तो उसमें भी अंशु प्रसिद्ध ने भी उसमें बोला था देखिए ऐसे होने से आप लोग का ये जो रिजल्ट जो बहुत डिले होगा, तो फिर भी उन लोग माना नहीं, उन लोग बोला है कि नहीं ईडी लगाओ, तो ईडी लगा दिया। तो ईडी एंड CBI वो अपना काम कर रहा है, दे हैव देयर ओन वे, तो वो लोग दे हैव देयर ओन पावर एंड दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पावर, इंडिपेंडेंट ड्यूटी, तो अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना पावर को यूज़ कर रहा है। तो उसमें अभी CBI को स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल भी नहीं कर सक रहा है उसको, वो तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ थोड़ा सा दिल्ली हो सकता है, दिल्ली तो होना पड़ेगा, वो तो आप लोग कुछ डिमांड किया कि CBI को लगाओ और ईडी को लगाओ, अभी वो लगाने का पर फिर आप लोग फिर CM को ब्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ब्लेम कर रहा है, तो होम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहा है, अभी देख रहे हैं तागे ताकी को ब्लेम कर रहा है और ये मुचू मिट्टी को ब्लेम कर रहा है और ये तालो पीतम को ब्लेम कर रहा है, कुछ होगा तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग ने खुद ही बोला था कि ईडी लगाओ और CBI लगाओ, तो लगा दिया। तो तब भी ऐसे बोलता है कि चार तरफ डिमांड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पूरा गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुका है। तो इसको मेरा रिक्वेस्ट है कि पन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी भी क्लेरिफिकेशन कुछ देना चाहिए इसको, क्योंकि वो लोग मीटिंग में था, वही चेयर किया था, वही लीड किया था तादक नालो और ये जो तेचीपुर, तो उसमें पेपर लीकेज का भी नल एंड वर्ड के बारे में भी बात हुआ, नल एंड वर्ड में भी वही बात किया है कि सरकार बोला है कि जब तक कमीशन खत्म नहीं होगा तब तक नल एंड वर्ड को गवर्नमेंट नहीं कर सकेगा, तब बोला है कि तो गवर्नमेंट उसको भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है तब तो नल एंड वर्ड को भी पहले ये करेगा, कमीशन को खत्म कर लेगा। तो कमीशन भी खत्म हो चुका था लेकिन उसमें भी पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का तो टीम में था, आप लोग पूरा सोल्ड ओदम है, पूरा तना तामर है, पूरा कंपू दौड़ो चंपा की आप लोग पूरा एक ही साथ था, तब भी बोला है कि ये नल एंड वोट का बारे में उसमें कमीशन गठन करने मतलब कमीशन तो गवर्नमेंट ऑलरेडी गठन हो चुका था, तब आप लोग ने बोला है कि और एक इंद्रेंस आया कि आप लोग बोला है कि ये जो कमीशन का चेयरमैन का टेन्योर खत्म होने वाला है, आप लोग अगर कमीशन को रिफॉर्मेशन लाना चाहिए तो जिसका टेन्योर ज़्यादा वाला को आप लोग अपॉइंटमेंट करना चाहिए, तब CM तो देखा है अरे ये तो बहुत गलत बात है, हाँ ये तो इसको थोड़ा हम लोग रेक्टिफाई करना पड़ेगा। CM विद इन नो टाइम कैबिनेट मीटिंग बैठ के उसको भी कर दिया, कमीशन को भी कमीशन चेयरमैन को भी हटा दिया, तो एक्चुअली उसको हटाने के लिए भी गवर्नर से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जाना चाहिए, लेकिन कमीशन को लेकिन चीफ मिनिस्टर अपना कैबिनेट मीटिंग बैठ के जो जितना वो सर्चिंग कमेटी का गलत हुआ है बोल के उसको स्क्रैप कर दिया। तो अभी ना कमीशन है ना APPSC कमीशन है ना नल एंड वॉइड है, अगर APPSC अगर कमीशन गठन होता है तो नल एंड वॉइड का भी आप लोग हला करना था, अभी वो भी कम गठन होने भी नहीं दे रहा है, फिर आप लोग फिर तारतीन ये जो नल एंड वॉइड का भी आप लोग जल्दी करना है बोल रहा है, तो ये तो जहाँ तक देखा जाएगा तो आप लोग माने इंटेंशनली गवर्नमेंट को प्रेस कर रहा है। मेरा सोच है भाई लोग और वहाँ का नारी शक्ति लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वहाँ में 18 फरवरी में जब मीटिंग बैठा था उसमें आप लोग कोई कुछ बोला नहीं है, नहीं ये ऑब्जेक्शन है ये ऑब्जेक्शन है ये ठीक है ये ठीक नहीं है, आप लोग कोई बोला नहीं, सोल्ड हो तो आपको भी मौका मिला था और नारी शक्ति आप लोग को भी मौका मिला था और कंपू दौलो जी को भी मिला था, सभी को मिला था, लेकिन आप लोग तो सिर्फ इतना बोला है कि उसमें जो तादक नालो और जो तेचीपुरो जो बोला है उसी में काम कर दो, तो गवर्नमेंट तो उसी में काम कर रहा है, फिर आप लोग अभी फिर नया एक टार्टिंग पॉइंट एक चार्टर डिमांड आ रहा है, ये मेरा सोच में ये थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा मिसकंसेप्ट है, थोड़ा सा गलत ढंग से हो रहा है क्या, ये मेरा रामताजो का सोच है। और देखिए
डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग मानता है आप लोग को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हर आदमी का इंडियन सिटीजन को राइट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसमें आप लोग धरना कीजिए, प्रोसेशन कीजिए, बनखोल करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट हो रहा है? आप लोग बोलता है स्टेट के लिए काम कर रहा है, स्टेट का फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, स्टेट का यंग जनरेशन के लिए काम कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है? बिजनेस मैन को। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हैंड टू माउथ वाला बिजनेस, जो सब्जी बिक्री कर रहे हैं, जो यहाँ छोटा मोटा सब्जी मीट मछली बिक्री कर रहा है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर उन लोग बिक्री करके पैसा नहीं मिलेगा तो यंग जनरेशन फिर कैसे आगे बढ़ेगा? ये सरासर थोड़ा सा गलत ढंग से जा रहा है। आप लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बनखोल एक अच्छा एक वो नहीं है, ट्रेंड नहीं है। और मेरा तो मेरा एक ये है, मेरा तो अपना भाई लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा अपना भाई लोग से कि आप लोग मेरा ये जो बात को सुन के अगर सेटिस्फाई लगा तो मेरा क्लान से, मेरा सोनम सोसाइटी है, मेरा काजो सोसाइटी है, आप लोग कोई भी बात आई है अगर इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मैं एक दिन फिर से डिटेल से बताऊंगा। ये मीडिया में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का भी वो नहीं है, इसमें बहुत MB का क्या क्या समय लगता है और कोई लंबा देखता भी नहीं है वीडियो को, ये को बाइक्स को। तो इसलिए मेरा अपील है मेरा भाई लोग से, मेरा सोनम सोसाइटी का भाई लोग से और मेरा ताजो भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि, और हम मालूम है मेरा सोसाइटी हम लोग बोलने से नहीं निकालेगा, ऐसे जून मूड ऐसे अननेसेसरी बनकोल में आप लोग पक्का साथ नहीं देगा, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और मेरा बिजनेस मैन लोग से भी रिक्वेस्ट कि आप लोग भी अपना हिम्मत से, हम लोग साथ में होगा, गवर्नमेंट आपका साथ में है, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। एक दिन आपका ये इस स्ट्राइक की वजह से आपका बिजनेस नुकसान होना भी ठीक नहीं है। और मैं लास्टली मैं ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बिजनेस मैन को थोड़ा सा बोल के दुकान खोलने दीजिए और दुकान में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना रास्ता देख रहा है। और जो 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 ये इशू में जो अपना से लोग को अपना से जो हाथ में लेने वाला उसको गवर्नमेंट का लो भी अपना कुछ टेकल करेगा। तो यही है मेरा बात, थैंक यू।